नीतीश कुमार को मैंने नहीं पहचाना। नीतीश कुमार जी एक उच्च कोटि के राज्य नेता हैं। रंजीत यादव को भी कुंती जी भी कह के गई है कि तुम जनता के सिपाही हो, नौकर हो, मालिक कभी नहीं बन सकते हो। फ्री हो जाएंगे तो हम रंजीत यादव अजय यादव के दुआरी पर रहने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हमारे साथ मौजूद हैं अत्री विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र यादव जी। राजेंद्र यादव जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप इतना मेहनत करके गर्मी में हमसे मिलने आए। सर, आप हमको ये बताइए कि आप पिछले 20 वर्षों से गया में कैदी के रूप में कैद हैं, कौन सा जुर्म में आप कैद हुए थे? जुर्म तो अपराध के जुर्म में मैं कैद हूँ और जनता इसका जवाब दे चुकी है, इसलिए उस जवाब को मैं क्या दूँ। मुझे कैद करने के बाद कुंती जी को दो बार विधायक बनाई जनता अत्री क्षेत्र के, और अभी बेटा रंजीत को भी बनाया, तो जेल में भिजवाने का जवाब तो जनता दे रही है। और हमारा जुर्म इतना ही है कि जो ये हुजूम देख रहे हैं और गरीबों का जमात देख रहे हैं, गरीबों का जमात जो देख रहे हैं, हम इन्हीं की सेवा में लगे हुए रहते हैं, इसका जलन है लोगों को। और मेरा तो कोई जुर्म नहीं है। सर, मेरा आपसे सवाल है कि बहुत सारे जो आपके चहेते हैं, आपके जो समर्थक हैं, उनको इंतज़ार है कि राजेंद्र जी कब बाहर आएंगे जेल से, सदा के लिए तब आ पाएंगे। ऐसे मेरा 14 वर्ष नहीं 15 वर्ष खांटी पुर चुका है। अंग्रेज के अंग्रेज ने जो नियम बनाया है, आज तक उसी नियम का पालन पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है। और अंग्रेजी हुकूमत ने नियम बनाया था कि 14 वर्ष जिस दिन पूर जाएगा उस दिन जेल से मुक्त कर देंगे, लेकिन मुझको 15 वर्ष हो गया है जेल में। अब नीतीश जी का कृपा हुआ है तब मैं घूम टहल रहा हूँ। नीतीश जी एक उच्च कोटि के आदमी हैं, मुझको परख में भूल हुई। इतना महान आदमी कि जो कुंती जी के मरने के बाद 3-3 बार अजय यादव को उन्होंने पूछा, और उतना ही नहीं, मुझको भी कुंती जी के सब यात्रा में शामिल होने के लिए उन्होंने छुट्टी देने का काम किया। मैं बधाई देता हूँ नीतीश जी को। अब हमको तो 7 वर्ष पहले आना चाहिए था, क्योंकि हार्ट का हम पेशेंट हैं। 2-2 बार दिल्ली में गए, 9 बार मैं दिल्ली में गया, सर्जरी कराया, सारा पैसा गवर्नमेंट ने दिया। और नियमानुसार जो अधिसूचना है बिहार सरकार के कि हार्ट का पेशेंट जिसको कैंसर हो गया है, जिसको टीबी हो गया है, भयानक बीमारी है, उसको 7 वर्ष में छोड़ देना है, नियम यही है। लेकिन मैं राजनीति में हूँ और राजनीति में परेशानियाँ होती हैं। लालू यादव जी को भी आप देखा, सारे नेता छूट गए, लालू जी को बाद में छोड़ा गया। तो मैं जल्दी ही इन लोगों की सेवा के लिए मैं तो यहाँ कब्राहिल हूँ अत्री क्षेत्र का। हमको एक आदमी ने क्या कहा, खड़ा हो मैं। हाँ बिल्कुल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमको खिजसरा में एक आदमी ने कहा कि मगध सम्राट, हमका मित्रों मगध सम्राट के परिभाषा जानना चाहिए। मगध सम्राट राजगीर के एक राक्षसनी की बेटा थे, जरा नाम की राक्षसनी थी। उनको बच्चा हुआ तो 2 भाग में जन्मा, और उसको सटा दिया तो बेटा वही हो गया जरासंध। तो हम राक्षस के बेटा तो हैं नहीं, हम तो तमाम गरीबों का बेटा हैं। हमारे पूरे परिवार गरीब है, जमात के लोग हैं। अब देखिए, हमारे भाई लोगों को कह रहे हैं कि कोविड ऐसा बीमारी है कि भारत के प्रधान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रात दिन चिल्ला के रेडियो से माइक से कह रहे हैं यह महामारी जो है कॉलरा की तरह है। कॉलरा इन लोग देखा नहीं, हम लोगों ने देखा। चांद मोहम्मद थे घनसूरा के,
कॉलरा हुआ मर गए, बहुत दौलत वाले थे, मर गए आज मरे। अरे उनका मरला 50 वर्ष से ऊपर हुआ। दफेदार जी थे यहाँ के कनुआ टिल्ला के, बहुत दौलत वाले थे, मर गया। उसी तरह से ये महामारी है। आप लोग सुनिए, अति मास्क लाइए, मास्क लाइए, साबुन लाइए। पहले बैठिए, आप लोग से हम बात करेंगे, हम तो बात नहीं करेंगे, रुक जाएंगे। हाँ सुनो इन्हें, हाँ रखिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए पहले। अरे कह रहे बैठने में नहीं सुनता, है कह रहे बैठने दूरी में, कह रहे नहीं सुन रहा है, तुम नहीं सुनोगे। देखो साथी मित्रों, यह जो बीमारी है ये चीन के लेबोरेटरी में कीटाणु पैदा किया जा रहा था, जीवाणु पैदा किया जा रहा था वुहान शहर में, और वह लीक कर गया। पूरा विश्व आज तबाह है कोविड से, कोरोना से। कोरोना बीमारी क्या है पकड़िए, जरा सब बताते हैं। कोरोना बीमारी जो है बुखार आता है, माथा में दर्द होता है और सर्दी होता है। अब इतने में राजा जी तुरंत डर जाएंगे कि हमारे उर्तिया के तो सर्दी हो गलो है। अरे यार सर्दी या बुखार किसको नहीं होता है? हम हिंदुस्तान के लोग सर्दी बुखार माथा दर्द कौची से ठीक करते हैं मालूम? हम एक झोला लेके लिए बुखार ठीक करेला, हड़कड़ंग के जड़ी लेके लिए, इतना इतना फूले दे दे मही रतिया में, अभी ने पीमही ना आधा बुखार व साफ। सर्दी जो है अब तो बुरा मानता है गोवर्धन का, हमारा गोवार का है। हमारा तो लगा है कि गोवर्धन से बढ़िया राजा बाबू है कि भैंस रख ले दुआरी पर, गोवर्धन भैंसिया के दूधवा के बेच दे है दुकान में, दुकान में, और एक बोतल दारू पिया है, एक तरह बहन हमारा सामने कौन है रहा? अरे यार नीतीश कुमार को मैंने नहीं पहचाना। नीतीश कुमार जी एक उच्च कोटि के राज्य नेता हैं, और लालू यादव भाई दोनों अपन भाई है, बड़का छोटका हमेशा ध्यान रखना। लालू यादव और नीतीश कुमार बड़ा और छोटा दोनों भाई है, देख लेना यार। लालू यादव निकल गए हैं, बेल हो गया है उनको, हमरा तो 15 दिन के छुट्टी मिल रही है। सर अति संक्षेप में बताइएगा, 15 दिन के लिए आप आए हैं, अपनी पत्नी का काम कार्य काम किया होगा, उसके बाद आप चले जाएंगे, 15 दिनों में आप क्या क्या करेंगे, क्या है उम्मीद, क्या उम्मीद करके आए हैं? 15 दिनों में सबसे पहले मैं समीक्षा करूंगा रंजीत विधायक के 6 महीना के कार्यकाल का। अच्छा, अपने पुत्र के कार्यों का समीक्षा करेंगे? समीक्षा करेंगे रंजीत यादव विधायक के, और हमको एक दिन में पहले जो आए संस्कार करने, हम एक घुंटोली में चले गए यहाँ पर खिजसरा में, तार गया उसके मकान के ऊपर, न खड़ा होने में बनता है, न कपड़ा पसारने में बनता है, और हम सबसे पहले स्क्रूटीनियर से बात करके उस तार को पैन की ओर से गड़वा करके सारे मकान को तार से अलग करेंगे, पहला मेरा विचार है। दूसरा मेरा विचार है, अजय यादव विधायक जी से मैं रात में बात करूँगा, ये बात सुन लो यार, दर्द तो काफी है कुंती जी के लिए। दर्द है बिल्कुल, पूरे जनता को दर्द है, पूरे आवाम को दर्द है सर। हमको क्या दर्द है वो दर्द मैं बताता हूँ। हमारे जुहैर भाई यहाँ पर होंगे, ये आदमी को भी चिकना देता था, रोटी चिकना खाता था, दूध देती थी। एगो हमारा भाई सुरेंद्र था, भाऊ जी हमारा थोड़ा और चिकन मा दे, बेचारी देती थी। 500 आदमी रात में वह आ जाता था तो कुंती जी अपने उठती थी, तसला में इनके पानी चढ़ा दिया। अब उतरू इनका कहा तो न्यास लगा, रे कमख्या डोमान अनुपा ये सब लोग रहता था मेरे घर पर, 500 आदमी को खिला लेती थी तब सोती थी। पिछले बार 90 में मैं जेल से निकला,
तो कुंती जी रोने लगी, हम कहे हो इतना दिलेरी से तुम लड़ा और हमको निकाल लिया, रिहाई करवा दिया केस, तू रो ही हो? कहीं इसकी रो रहे हैं इसलिए कि भैया ही 5 किलो चावर ले भेज लियो घरे कोठिया में, चावर न लो से भैया बउआ के गाड़ी दे के घुरा दिल, तू से रात भर बुतरुन भूखा लागलो से, अब तू विधायक बनिया या कुछ करिया तब बुतरुन के कुछ बनाओ। हमको ले गई लालू यादव के यहाँ, बड़ा कहानी हो जाएगा आपको, उतना टाइम भी नहीं है, में बताइए। लालू यादव के यहाँ ले गया, आपका स्किन का नौकरी दे दू, तू ही इनका जिंदगी बर्बाद कर दलू, लगवाई हो के बारे में क्या है? देखो मित्रों, कुंती जी एक महान आत्मा थी, महान योद्धा थी, अत्री की हमारी पत्नी थी, हम तो तोनी के झूठो मूठो भी बोलवाओ, लेकिन कुंती जी झूठ जीवन में नहीं बोलती थी, जो कहती थी वो करती थी। कुंती जी का चमकाया हुआ रोड है, कुंती जी ने जी जान लगा करके आप लोगों ने विधायक बनाया तो काम किया। अब पूछना है जो पूछिए। सर आप आखिरी सवाल बताइएगा, जैसे कि आप जनता के लोकप्रिय नेता हैं, कुंती देवी जी भी लोकप्रिय नेता थी, क्या आपको लगता है कि आपके पुत्र आपके कार्य आपके कदमों पर खड़ा उतरेंगे? ऐसे बांस के कोठी में बांस ही फूटता है। रंजीत यादव को भी कुंती जी भी कह के गई है कि तुम जनता के सिपाही हो, नौकर हो, मालिक कभी नहीं बन सकते हो। किसी के दरवाजे पर जैसे भी मैं आ रहा था, मुड़ो बिगा में एक पासवान के घर समूचा चल गया है, तो अभी तो उतरी लिए हुए है वो, हम तो फ्री हैं, हम कल अंचल अधिकारी से बात करेंगे, हमारे साथी ने 1000 रुपया दिया, हम दिए, 1000 से क्या होगा जिसका समूचा घर जल गया। अगर मौका मिला तो फिर मैं वहाँ जाऊँगा, हमारे पास भी गल्ला है, वो भी देंगे, इस साथी लोगों से तहसील करके गल्ला पहुँचाएंगे। सर आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से अतरी क्षेत्र की जनता को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अतरी क्षेत्र की तमाम जनता को कहना चाहते हैं कि आपस में भाईचारा बना के रहो, हिंदू मुस्लिम सारे लोग, ऊंचा नीच सब बराबर हम लोग हैं, एक हो करके रहो, अतरी क्षेत्र के विकास करो, अपने बेटा को पढ़ाओ, अपने बेटा को कलेक्टर बनाओ, जज बनाओ, हम यही लोगों को संदेश देने आए हैं। और फ्री हो जाएंगे तो हम रंजीत यादव अजय यादव के दुआरी पर रहने वाले नहीं हैं, राजा बाबू जैसे घर मकान हमारा भाई लाखों लाख है, इसलिए मैं आप लोगों के दरवाजे पर ही समय बिताएंगे, आप लोगों को दुख को बांटने का काम करेंगे। गर्म पानी कर गया है, देखिए गिलास हो गिलास चार 5 गो पेंडर मिर्चाई पकवा के मंगवा।